जय श्री महाकाल दोस्तों, ज्योति जगत के संकट में आपका स्वागत है। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, खाने के तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो इस संकट में हम जानेंगे कि इन सब का कारगृह कौन सा होता है, किस तारीख तक इनके दाम बढ़ेंगे, इन सभी का विश्लेषण हम इस संकट में करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं ज्योति जगत बाय देव निवेदन। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल का कारगृह माना जाता है शनिदेव को। खाने का तेल जो होता है उसका भी जो कारक होता है वो शनि होता है। गैस जो होती है उसका भी जो कारक ग्रह माना जाता है शनिदेव को माना जाता है। तो पेट्रोल डीजल रसोई गैस के जो दाम बढ़ रहे हैं उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो शनिदेव के कारण आ रहा है। शनिदेव अपनी खुद की राशि स्वराशि दसवें नंबर की राशि जो है मकर के अंदर अभी तक गोचर कर रहे थे। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि होती है वो बारहवें भाव पे पड़ रही थी, काल पुरुष कुंडली के, पृथ्वी की कुंडली के बारहवें भाव पे पड़ रही थी। तो बारहवें भाव से रिगार्डिंग उन्होंने फल दिया और बारहवें भाव का जो मतलब होता है वो होता है खर्चे का भाव। तो शनिदेव के जो कारक, जिन चीजों के कारक माने जाते हैं उनके रिगार्डिंग आपकी जो खर्चा है वो बढ़ गया था, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, रसोई गैस है, खाने के तेल, लोहे, इन सब का कारक शनिदेव को माना जाता है। तो इन चीजों पर आपका खर्चा होगा शनिदेव की तीसरी दृष्टि कारण हो रहा था अभी तक, लेकिन शनिदेव ने अपनी राशि को बदल लिया है। शनिदेव की राशि का परिवर्तन हो गया है। 29 अप्रैल 2022 को शनिदेव ने अपनी राशि को बदल लिया है और वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में चले गए हैं। ये शनिदेव की राशि हो गई है। अभी वर्तमान में शनिदेव कुंभ राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ने का जो सबसे प्रमुख कारण था वो शनिदेव की तीसरी दृष्टि थी, जिसके कारण से खर्चे बढ़ रहे। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि किस तारीख के बाद से शनिदेव की दृष्टि बारहवें भाव से हट गई है और अब हमको शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी और पेट्रोल डीजल के दाम है, रसोई गैस के दाम है, लोहे के दाम है, वो स्थिर होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों शनिदेव ने अपनी राशि जो है वर्तमान में बदल ली है। शनिदेव का राशि परिवर्तन 29 अप्रैल 2022 को हो गया है और मकर से कुंभ राशि में शनिदेव का गोचर शुरू हो गया है। शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होंगे। 5 जून 2022 को कुंभ राशि में वक्री हो जाएंगे। वक्री का मतलब है कि रिवर्स में आएंगे, जो अपने पहले की राशि थी उसमें आना शुरू हो जाएंगे 5 जून 2022 को। तो जब भी ग्रह वक्री होता है तो जिस राशि में जाता है उसके रिगार्डिंग अपने फल देने लग जाता है, उसके हिसाब से अपने फल देता है। तो 5 जून तक जो पेट्रोल के जो दाम है वो स्थिर रहेंगे। 5 जून के बाद से वापस से पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो सकती है। उसके बाद से शनिदेव कुंभ से मकर राशि में वापस से जाएंगे 12 जुलाई 2022 को। तो यहाँ से वो रिवर्स होना चालू होंगे और यहाँ से वापस से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 12 जुलाई 2022 को वापस से अपनी स्वराशि में आ जाएंगे और अपनी जो साधारण राशि है उसके फल देने लग जाएंगे। तो वापस से पेट्रोल के दामों में कुछ उछाल देखने को मिलेगा 12 जुलाई 2022 के बाद से। इसके बाद शनिदेव मार्गी हो जाएंगे 23 अक्टूबर 2022 को। तो 23 अक्टूबर तक यहाँ पर वक्री रहेंगे। 23 अक्टूबर के बाद में वापस से शनिदेव मार्गी हो जाएंगे और वापस से 11 नंबर की तरफ जाने लग जाएंगे, जो अपनी कुंभ राशि है उसकी ओर गोचर करने लग जाएंगे। तो ये जो राशि है 23 अक्टूबर 2022 के बाद से थोड़ी बहुत राहत देखने को मिलेगी और उसके बाद से जब शनिदेव कुंभ राशि में पुनः प्रवेश करेंगे, तो शनिदेव अभी कुंभ राशि में वापस से प्रवेश करेंगे, अभी भी कुंभ राशि में चल रहे हैं लेकिन वापस से रिवर्स होकर अपनी राशि में आएंगे मकर राशि में, फिर मार्गी होकर वापस से जाएंगे। तो कुंभ राशि में जब पुनः प्रवेश करेंगे 17 जनवरी 2023 को, 17 जनवरी 2023 को शनिदेव इस राशि से निकल जाएंगे और इस राशि में फिर से चले जाएंगे। तो इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो जो खर्चे के भाव पे पड़ रही थी वो 17 जनवरी 2023 को समाप्त हो जाएगी। दोस्तों इसको हम ग्राफ के हिसाब से भी समझ सकते हैं। 29 अप्रैल को पेट्रोल का जो भाव था, तो शनिदेव के हिसाब से जो पेट्रोल का जो भाव बढ़ रहा था वो 29 अप्रैल से 5 जून तक स्थिर रहेगा। 5 जून को जब शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि शनिदेव वक्री होंगे तो अपने कारक तत्वों के में वृद्धि कर देंगे और पेट्रोल के दामों में इजाफा कर देंगे। तो 5 जून तक पेट्रोल के दाम स्थिर रहेंगे, उसके बाद से पेट्रोल के दामों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। 12 जुलाई तक इसमें वृद्धि रहेगी क्योंकि शनिदेव कुंभ राशि से मकर राशि में आ जाएंगे। 12 जुलाई के बाद में 23 अक्टूबर तक थोड़े बहुत दाम उछल सकते हैं, क्योंकि 23 अक्टूबर तक शनिदेव मार्गी होकर मकर राशि में ही रहेंगे और वापस से अपनी तीसरी दृष्टि से आपका खर्चा करवाएंगे पेट्रोल और डीजल के ऊपर। इसके बाद में 23 अक्टूबर के बाद में 17 जनवरी को शनिदेव वापस से ये राशि छोड़ देंगे और इस राशि में आ जाएंगे। तो शनिदेव की जो दृष्टि है वो यहाँ से बारहवें भाव से हट जाएगी और पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो स्थिर हो जाएंगे। तो दोस्तों हम कह सकते हैं
कि 17 जनवरी सन 2023 को जब शनिदेव ये राशि छोड़ देंगे अपने और मूल त्रिकोण राशि में चले जाएंगे तो उनकी जो तीसरी दृष्टि है वो भी समाप्त हो जाएगी, खर्चे के भाव से हट जाएगी। तो पेट्रोल और डीजल के जो भाव है वो 17 जनवरी 2023 तक बढ़ेंगे और उसके बाद में वो इतनी स्पीड से नहीं बढ़ेंगे, धीरे धीरे उनके अंदर ग्रोथ होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 17 जनवरी 2023 के बाद से पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था पेट्रोल और डीजल की कीमत और ज्योतिष शास्त्र के मध्य जो संबंध था उस पर एक छोटा सा विश्लेषण। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यदि कुंडली से संबंधित आपका कोई सा प्रश्न है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमको कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले अंक में। जय श्री महाकाल।